की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की है। धिकाला क्षेत्र में सफारी करते समय सैलानियों के रास्ते में एक गजराज आ गया। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए किस तरीके से गजराज से लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सैलानी सफारी पर जा रहे थे और उसी दौरान एक हाथी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगा। इस दौरान गाड़ी का ड्राइवर किसी भी तरीके से गाड़ी को बैक गियर में पीछे की तरफ दौड़ा देता है। इस दौरान सैलानियों में चीख पुकार मच जाती है, जो कि आप सुन पा रहे हैं। क्या हालात उस वक्त पर्यटकों की रही होगी उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से बाल बाल जान बची है, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। और बैक गियर में किस तरीके से ड्राइवर गाड़ी को भगा रहा है, क्योंकि जो सैलानी वहां पर पहुंचे थे वो काफी डर गए थे, लेकिन ड्राइवर्स समझते हैं कि ऐसे सिचुएशंस में किस तरीके से उनको रिएक्ट करना है। दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या ये पूरा वाकया हुआ था, बताइएगा जरा। देखिए मैं आपको बता दूं, सुबह की पारी में पर्यटक सेंटर में बैठ के सफारी के लिए ढिकाला जा रहे थे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का सबसे मशहूर पर्यटन जोन है ढिकाला, जहां पर पर्यटक सफारी के लिए दिन में दो बार डे विजिट पर जाते हैं सेंटर में। तभी जब ये ढिकाला के पास पहुंचने वाले थे, तभी अचानक से जंगल से निकल कर कुछ हाथियों का झुंड सड़क पर आ गया और उनके साथ उनके बच्चे भी मौजूद थे, क्योंकि अपने बच्चों को लेकर के हाथी हमेशा से काफी प्रोटेक्टिव होते हैं और काफी संवेदनशील होते हैं। ऐसे में हाथियों के झुंड से निकल के एक हाथी ने अचानक से कैंटर के ऊपर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद जो कैंटर चालक था उसने अपनी गाड़ी को बैक गियर में लेकर के पीछे की ओर भगाया। लेकिन हाथी अगर उस पर अटैक कर देता तो हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि रामनगर में पहले भी एक हाथी के द्वारा एक व्यक्ति की जान ले ली गई थी इसी नेशनल हाईवे पे। तो एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि कई बार बताया गया है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारी इनको सचेत करते हैं कि जानवर अगर रोड क्रॉस कर रहा है या जानवर सड़क पर है तो उससे काफी दूरी बना करके रखें, लेकिन अमूमन देखा गया है कि इस प्रकार की घटनाओं को यहाँ पे जो टैक्सी जिप्सी चालक हैं, कैंटर चालक हैं, अंजाम दे देते हैं और ज्यादा एक्साइट होकर के जानवरों के पास पहुंच जाते हैं, जिससे बड़ा हादसा होते होते रह जाता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दानिश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से ड्राइवर बैक गियर में गाड़ी को लेता है और लोगों की जान बच पाती है। बताया जा रहा है कि उसी वक्त हाथी रास्ते को क्रॉस कर रहा था अपने बच्चे के साथ और जो ड्राइवर है वो गाड़ी थोड़ा आगे लेकर पहुंच गया। अब उत्सुकता होती है लोगों की जब पर्यटक पहुंचते हैं कि वो जानवरों को बहुत ही पास से देख पाए, लेकिन वन विभाग की तरफ से लगातार सचेत किया जाता है कि आप तमाम नियमों का ध्यान रखें। जब कोई जानवर रास्ते को पार करता है तो आप पूरा ख्याल रखें कि एक सुनिश्चित दूरी उससे होनी चाहिए, वरना इस तरीके की स्थिति बन जाती है। देखिए किस तरीके से हाथी गाड़ी के पीछे दौड़ता है, हालांकि बैक गियर में गाड़ी को लगाकर ड्राइवर तो गाड़ी को बैक गियर में लेकर पीछे की तरफ ड्राइवर हटता है तो जान बच पाई है, लेकिन ये आपको सतर्क करने वाली, सजग करने वाली खबर है, क्योंकि अगर आप जाते हैं, अगर इस तरीके से किसी कॉर्बेट पार्क में, रिजर्व में, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी तरीके से किसी भी नियम की अनदेखी ना करें, वरना ये जान पर भारी पड़ सकता है। जैसा कि आप इस वक्त इन तस्वीरों में देख रहे हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उस वक्त पर्यटकों की हालत क्या होती। अंदाजा लगाइए कि अगर ये गाड़ी उस वक्त गियर बैक जब कर रहा था ड्राइवर उस वक्त ना होती, या फिर दुर्घटना कुछ हो जाती वहां पर, कुछ अनहोनी हो जाती, तो उस वक्त स्थिति क्या होती, उन तमाम चीजों की आप बानगी को इस तस्वीर में देख सकते हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए जब भी अगर आप कभी भी जंगल में जाएं किसी या फिर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का दीदार करने जाएं, तो बिल्कुल सतर्क रहें, सजग रहें। अगर कोई आपको इसके लिए उकसाता भी है, कहता भी है कि वो आपको सामने से जानवर को दिखा देगा, तो आप उसे मना कीजिए, वरना ये आपकी जान पर भारी पड़ सकता है।